सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज बी का मारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, अभी कल सीबीएसई ने एक कल प्रेस नोट जारी किया था। प्रेस नोट के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सीबीएसई क्लास टेंथ का रिजल्ट अब 30 जून के बाद में आएगा, मतलब लगभग जुलाई के अंदर रिजल्ट जारी होगा क्लास टेंथ का। ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि क्लास टेंथ के अंदर काफ़ी सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, सीबीएसई का ये कहना है। और फेल हो रहे हैं तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। फेल होने का रीज़न ये है कि बच्चों के नंबर वैसे ही प्री बोर्ड में बहुत कम आए, कई बच्चों ने प्री बोर्ड दिया ही नहीं और नाइन्थ के अंदर कई सारे बच्चे फेल थे, तो जिस वजह से बच्चे काफ़ी सारे क्लास टेंथ के फेल हो रहे हैं। लेकिन बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो इसलिए कई सारे बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी देकर पास करवाया जा रहा है। ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बच्चे फेल हो रहे थे क्लास टेंथ के अंदर, उनको मॉडरेशन देके पास करवाया जा रहा है। तो आप सभी ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा घबराओ मत, मॉडरेशन मिलके आपको सभी को पास कर दे क्लास टेंथ वालों को। रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा आपका, जुलाई तक आएगा, लेकिन आप सभी पास हो गए। ये पूरा कॉन्फिडेंस सीबीएसई ने खुद ने कल प्रेस नोट जारी करके दे दिया। ये जानकारी मेरे को इंडिया टुडे की वेबसाइट से, न्यूज़ 18 की वेबसाइट से, आज तक की वेबसाइट से, सभी की वेबसाइट से मिली है। साथ में आपको ये प्रेस नोट सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अपने फ्रेंड्स को जिनको टेंशन थी कि मैं फेल हो जाऊंगा या नहीं, उनके साथ वीडियो शेयर कर दें जिससे उनकी भी थोड़ी टेंशन कम हो सके। तो अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता देना। अपनी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सेंगे।